मधुबनी जिला के जयनगर शहरी क्षेत्र को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी के नेतृत्व में व्यावसायिक संगठनों एवं फुटकर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व में किए गए बैठक में लिए गए निर्णय के तहत अगली तिथि को बैठक कर सर्वसम्मति से जाम की समस्या और फुटपाथ दुकानदारों के लिए अस्थायी व्यवस्था को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय लिया गया, जिसमें शहरी क्षेत्र के मार्गों पर बेतरतीब वाहन लगाने पर प्रशासन के द्वारा जुर्माना वसूल करने की बात पर सहमति बनी। बैठक में सर्वप्रथम एफसीआई गोदाम से अनाज लोड अनलोडिंग करने वाले ट्रकों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बैठक में एसडीपीओ विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष संजय कुमार, आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार, बीडीओ श्रीमती उमा भारती, सीओ सुधीर कुमार, नगरपालिका कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, गोदाम प्रबंधक, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, भूषण सिंह, जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बरौलिया, सचिव पवन यादव, कैट अध्यक्ष प्रीतम बरौलिया, उपाध्यक्ष राजकुमार साह व अनिल जायसवाल, मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजेश गुप्ता, राजदेव दास समेत अन्य मौजूद थे। मीटिंग के बारे में बताएं क्या आज जयनगर शहर में जाम को लेकर के जो अतिक्रमण है और जो जाम की समस्या रहती है उसको लेकर के मीटिंग आहूत की गई थी। इसके पूर्व भी मीटिंग आहूत की गई थी, उसकी प्रोसीडिंग की गई थी, उसमें सभी संबंधितों को कुछ कुछ कार्य दिया गया था और उसी के को लेकर के आज मीटिंग थी। किसने कितना कार्य किया उसी को लेकर के हम लोगों ने मीटिंग की और एक रूपरेखा तैयार की कि किस प्रकार से अतिक्रमण को चरणबद्ध तरीके से हम लोग को हटाना है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिस तरह से सही चौक पर मछली बाजार है उसको हम लोग को शिफ्ट करना है, नया मार्केट बना करके स्टेशन चौक पे जो भी जाम रहता है उसको हमको अलग शिफ्ट करना है दूसरे जमीन पे। पटना गद्दी चौक पे जो आपका छोटे जो खुदरा और रोड पे जो फुटकर विक्रेता है उसको हम लोगों को अलग शिफ्ट करना है। फिर आप इधर मेन मार्केट में जो भी ठेला वाले लगाते हैं उसको मूवमेंट में रखना है, वो कॉन्स्टेंट होके रहता है, इस पर भी हम लोगों को कार्रवाई करना है। जो व्यवसायी जो दुकान से आगे अपने लगा करके रखते हैं सामान वगैरह रोड पे निकाल के रखते हैं उस पर भी कार्रवाई करना है। सभी बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कल से ही लागू होगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जयनगर प्रशासन और जनता का सहयोग से जयनगर को जाम से अतिशीघ्र मुक्त कर दिया जाएगा और ये कदम लगाया जाएगा। मैम कार्रवाई और जुर्माने में क्या प्रॉब्लम? कार्रवाई और जुर्माना के लिए प्रोसीडिंग में तय हो गया है कि जैसे ट्रक है अगर वो जो टाइम फिक्स किया गया उस टाइम के इधर अगर शहर में पाए जाते हैं तो उस पर जुर्माना 2000 का हम लोग ने सभी कोई मीटिंग में सभी व्यक्तियों ने मिल करके फिक्स कराया है। ट्रैक्टर ये इसके लिए पिकअप के लिए 1000 है और ट्रैक्टर